महाकाल सवारी के दौरान पालकी का पूजन कर रही युवती को बाल पकड़कर खींचा गया। अभद्रता करने वाले युवक ने माफी भी मांगी और कहा कि मेरी बेटी जैसी है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को निकली महाकाल सवारी का वीडियो सामने आया है। पालकी के पास खड़ा व्यक्ति युवती के बाल पकड़कर धकेलता हुआ उसमें नजर आ रहा है। एक महिला व दूसरे भक्तों को भी धकेलते हुए बाहर किया गया। वीडियो सामने आने के बाद महाकाल के भक्तों से अभद्रता करने वाले व्यक्ति ने माफी भी मांग ली। मुकेश मकवाना ने कहा कि वो मेरी बेटी जैसी है, नाती पोती जैसी। मैं सालों से बाबा की सेवा कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य दुख पहुंचाना नहीं, मैं पूरे देश दुनिया से माफी मांगता हूं। बताया जा रहा है कि वीडियो सामने आने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने भी मुकेश मकवाना को थाने बुलवा कर समझाइश देकर छोड़ दिया। महाकाल बाबा की दूसरी सवारी में मेरे द्वारा कुछ गलती हो गई हो, छोटी सी बच्ची के चोटी पकड़ने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मुझसे कुछ गलती हो, मेरी बच्ची के समान है, मेरी पोती के समान है, मेरी नाती के समान है, मुझसे कुछ गलती हो, तो मेरी कोई ऐसी धारणा नहीं थी कि मैं किसी को धक्का दूं या कुछ करूं। मेरे खुद के पैरों में मतलब इन्हें की चोट आती है, वो भी मेरे को बाबा का प्रसाद मान के मैं उसको सहन कर लेता हूं। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं रहती है, मैं सालों से बाबा महाकाल की सवारी में सेवा दे रहा हूं। मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें, मैं आपके क्षमा चाहती हूं। वीडियो सामने आने के बाद से भक्तों में गुस्सा था। महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रावण माह की दूसरी सवारी में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान का विश्वकर्मा धर्मशाला का वीडियो सामने आया। महाकाल की सवारी में पालकी का पूजन करने आई महिला को मुकेश धक्का देकर बाहर करते हुए नजर आए, फिर युवक को धक्का देते हैं। इसके बाद युवती को बाल पकड़कर धकेल दिया जाता है। ये पालकी यात्रा के दौरान जो है विश्वकर्मा धर्मशाला के सामने की बात है, वहाँ पर ये मकवाना जी के द्वारा एक बच्ची के साथ अभद्रता की गई और उसके चोटी पकड़ के उसको खींचा गया, जिस पे सोशल नेटवर्क साइट पे ये वीडियो वायरल हुआ। जैसे ही हमको जानकारी मिली हमने वैसे अधिकारी को बताया और उनको तत्काल बुलवा करके जो है उनसे चर्चा की और उनके विरुद्ध 116 की कार्रवाई की और उनको समझाइश दी है कि भविष्य में वो इस तरीके की गलती ना करें।